हेलो भाई चयन। हाँ भाई बता। भाई अमेजोन पे सेल आया हुआ है, एक लैपटॉप लेना था। बजट क्या है ये बता दे। बजट 50,000 तक। चल ठीक है, मैं इतने में तो आ जाएगा। मैं तेरे को थोड़ी देर में बताता हूँ, कुछ काम कर रहा हूँ। ओके बॉस। उफ भाई, मैं तो परेशान हो गया हूँ। बहुत से कॉल्स आ रहे हैं कि अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट के सेल आने वाला है तो मुझे लैपटॉप लेना है, रिकमेंड करो कौन सा लूँ कौन सा लूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा वीडियो ही बना दिया जाए एक गाइड के रूप में कि आप अपने लिए किस तरीके से आप बेस्ट लैपटॉप चूज कर सकते हैं अपने वर्किंग के हिसाब से। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू पिक बेस्ट लैपटॉप फॉर यू। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मार्केट में 30,000 से लेकर 2 से 3 लाख तक के लैपटॉप अवेलेबल हैं, जिसमें अलग अलग प्रोसेसर, रैम, ग्राफिक कार्ड है। लेकिन मैं बताऊंगा कि कौन सा लैपटॉप और किस कॉन्फ़िगरेशन के साथ आपके लिए बेस्ट होगा आपके वर्क नीड को मद्देनज़र रखते हुए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लैपटॉप्स बेसिकली डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स का बंडल होता है, जस्ट लाइक पीसी। उनमें से कुछ मेन कंपोनेंट्स होते हैं प्रोसेसर, रैम, ग्राफिक कार्ड, स्टोरेज डिवाइस, डिस्प्ले और इनपुट आउटपुट पोर्ट्स। इन सब को बाद में देखते हैं, पहले मैं आपको बताता हूँ कि लैपटॉप के ब्रांड्स को कैसे चूज किया जाए अपने लिए, क्योंकि ब्रांड ही आपको आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करती है। आफ्टर सेल सर्विस का मतलब, अगर आपका लैपटॉप 2-3 महीने चलाने के बाद ख़राब होता है तो उसका सर्विस आपको वही लैपटॉप का ब्रांड देगा। उसी के सर्विस सेंटर पे आपको जाना पड़ेगा, जो कि आपकी सिटी में होना जरूरी है। तो टॉप ब्रांड्स पता करने के लिए आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि टॉप ब्रांड्स फॉर लैपटॉप इन 2020 इन इंडिया क्या है। तो मैं आपको एक लिस्ट यहाँ पे बता देता हूँ कि एप्पल, HP, डेल, एसर, लेनोवो, इन सभी ब्रांड्स के लैपटॉप अगर आप इंडिया में खरीदते हैं तो आप किसी भी स्टेट में हैं उसके सर्विस मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए हम हमेशा इन ब्रांड्स को ध्यान में रखते हुए ही लैपटॉप्स के मॉडल चूज करेंगे। तो अब आते हैं प्रोसेसर पे। ये आप अपने वर्क नीड के हिसाब से चूज करें, जैसे कि इंटेल का i3, i5 और i7। अब i3 जो है AMD का Ryzen 3 उसके इक्विवेलेंट होता है, i5 Ryzen 5 के और i7 Ryzen 7 के। अब इनमें भी दो तरह का प्रोसेसर आता है। पहला जो कि नोटबुक के लिए होता है वो लेस पावर्ड प्रोसेसर होते हैं, जिसके आगे आपको U या G लिखा हुआ मिलेगा, और हाई पावर्ड वाले में आपको लास्ट में H या K दिखा हुआ मिलेगा, मतलब वो हाई पावर्ड प्रोसेसर। अब उनमें आपको बैटरी लाइफ भी कम मिलेगी लेकिन परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा मिलेगा। अब देखते हैं आपका वर्क नेट क्या है। अगर आप i3 लेते हैं या फिर Ryzen 3 लेते हैं तो कम से कम आप 4 GB का रैम जरूर रखें। इसमें आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस चला सकते हैं, वीडियो चैटिंग कर सकते हैं, इंटरनेट ब्राउजिंग कर सकते हैं और छोटे मोटे गेम खेल सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, होमवर्क के लिए चाहिए या फिर ऑफिस वर्क के लिए चाहिए, तो इतने में आपका काम हो जाएगा। अगर आप i5 चूज़ करते हैं, Ryzen 5 और साथ में 8 GB रैम, तो आप इसमें कोडिंग कर सकते हैं, फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग कर सकते हैं और गेमिंग कर सकते हैं। ये उनके लिए बेहतर होगा जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, डेवलपर हैं, गेमर हैं या फिर यूट्यूबर हैं। तो अब अगर आप i7 चूज़ करते हैं इंटेल का या साथ में या फिर Ryzen 7 और साथ में 16 GB रैम मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है, तो इसमें आप हेवी मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, हेवी गेमिंग कर सकते हैं, 3D ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हैं और वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। अब कुछ प्रोसेसर के लिस्ट में आपको बताता हूँ जो कि आपको 2020 में चूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि वो आउटडेटेड हो गए हैं, जैसे कि इंटेल का एटम, सेलेरॉन, पेंटियम और AMD के तरफ से आने वाले A6 और A8। ये सारे प्रोसेसर आउटडेटेड हो गए हैं, अभी के जो सॉफ्टवेयर सारे वो हेवी होते हैं, इन पे अच्छे से रन नहीं कर पाएंगे। अब प्रोसेसर में देखने वाली बात होती है जनरेशन। अगर आप लेटेस्ट जनरेशन चूज़ करते हैं, जैसे कि इंटेल का अभी 11th जेन लॉन्च हुआ है 2020 में, 2019 में 10th जेन था, तो जिस तरीके से आपका जनरेशन आगे बढ़ेगा उसका परफॉर्मेंस भी उतना ही बूस्ट होगा, और प्लस जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ेगा उनके दाम में भी थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा और आपको लेटेस्ट जेन वाले प्रोसेसर थोड़े महंगे मिल सकते हैं। अब बात करते हैं ग्राफिक कार्ड की। अगर आप इंटेल का i3 या फिर Ryzen 3 लेते हैं तो उसमें जो इनबिल्ट ग्राफिक कार्ड होता है उससे आपका काम चल जाएगा, लेकिन अगर आप i5 और i7 लेते हैं तो उसमें आपको एंट्री लेवल और साथ में हाई लेवल का ग्राफिक कार्ड होना जरूरी है, तभी आप अच्छे से उस पर काम कर सकते हैं। अब आते हैं स्टोरेज पे। स्टोरेज यहाँ पे दो तरह की होती है, पहला तो एक फास्ट है जो कि है SSD और दूसरा है
ट्रेडिशनल वो है हार्ड डिस्क। अब SSD हार्ड डिस्क के कंपैरिजन में 10 गुना फास्टर होता है। अगर आप किसी कंप्यूटर को बूट करते हैं मतलब ऑन करते हैं तो जो हार्ड डिस्क में वो टाइम लेगा 30 सेकंड्स का ऑन होने में, वहीं SSD में आपको वो टाइम 3-4 सेकंड में ऑन हो जाता है कंप्यूटर। ये आपको बेनिफिट मिलेगा। कोई भी ऐप या फिर गेम को रन करने में उसका जो बूटअप टाइम है, गेम के स्टार्ट होने का टाइम, वो बहुत ही कम हो जाएगा। अब आते हैं डिस्प्ले पे। डिस्प्ले आपको लैपटॉप्स में 13, 14, 15 और 17 इंच में अवेलेबल होगा, लेकिन यहाँ पे दो चीज़ें ध्यान देने वाली है। अगर आप गेमर हैं तो आपको हाई रिफ्रेश रेट चूज़ करना चाहिए, जैसे कि ट्रेडिशनल जो होता है वो 60 हर्ट्ज़ का होता है, लेकिन अगर आप गेमर हैं तो 120 हर्ट्ज़ या फिर 240 हर्ट्ज़ चूज़ करें, यह आपको हाई लेवल लैपटॉप्स में मिलेगा। और अगर आप वीडियो एडिटिंग या फिर कलर एक्यूरेसी वर्क करते हैं तो आपको sRGB गामुत जो है वो 100 से जितना नज़दीक हो, 100% से जितना नज़दीक हो वो चूज़ करें, आपको कलर एक्यूरेसी उसमें ज़्यादा बेटर मिलेगा। मैं आपको यहाँ पे एक सलाह दूंगा कि आप यहाँ पे टच स्क्रीन वाले लैपटॉप्स चूज़ ना करें, क्योंकि वो लेस ड्यूरेबल होते हैं, आपको उसमें कॉस्ट भी ज़्यादा पड़ेगा और वो आगे बेटर परफॉर्म नहीं कर पाते, उनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती है। अब बात करते हैं बैटरी की। बैटरी यहाँ पे अगर आप प्रोसेसर लो एंड वाले चूज़ करते हैं जिसमें कि i या फिर G लास्ट में लगा हुआ हो इंटेल में, तो उसमें आपको बैटरी बैकअप अच्छा मिल जाएगा, करीब आप मान सकते हैं कि 8+ आवर्स मिल जाएंगे। लेकिन वहीं अगर आप H या मतलब हाई पावर्ड प्रोसेसर चूज़ करते हैं तो उसमें आपको बैटरी 1-3 घंटे के बीच में ही मिलेगा, और बेसिकली वो लैपटॉप्स को आपको हमेशा ही प्लग इन करके ही यूज करना पड़ेगा अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए होगा तो। अब यहाँ पे कुछ खास चीज़ें हैं जो कि आपको 2020 के लैपटॉप्स में आपको ज़रूर कंसीडर करना चाहिए। सबसे पहला तो है कि आप अपने इनपुट आउटपुट पोर्ट्स में USB टाइप सी ज़रूर देखें। उसके बाद फास्ट चार्जिंग अगर आपको मिल रहा है तो वो ज़रूर चूज़ करें। आपके कीबोर्ड में बैकलिट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर अंधेरे में अगर आप रात में काम करते हैं तो कीबोर्ड में बैकलिट का होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप अच्छे से देख पाएंगे, टाइप कर सकते हैं। और अगर आपको विंडोज़ 10 प्री इंस्टॉल्ड मिल रहा है तो वो ज़रूर चूज़ करें, क्योंकि आपको विंडोज़ 10 के अपडेट्स मिलते रहते हैं रेगुलरली, उससे आपको एंटीवायरस भी अलग से नहीं लेना पड़ेगा, उसका जो विंडोज़ डिफेंडर होता है वो आपका काम कर देगा। अब मैं आपको कुछ बेस्ट लैपटॉप बताने वाला हूँ अंडल और प्राइस रेंज, जिनका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करके आप खरीद भी सकते हैं और लेटेस्ट ऑफर्स जरूर चेक करें। लेकिन उसके पहले डिस्क्लेमर, इस लैपटॉप के गाइड में आप सिर्फ वो लैपटॉप्स देखेंगे जो एकदम लेटेस्ट हैं। आप अगर उन्हें खरीदते हैं तो एटलीस्ट आप ये सोचकर खरीद रहे हैं कि 4-5 साल वो अच्छे से आपका साथ निभाए। इस लैपटॉप के गाइड में आपको अजीबो गरीब लैपटॉप्स जैसे कि कन्वर्टेबल 2-in-1 टच स्क्रीन वाले लैपटॉप बहुत ही कम देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते हैं और 2-3 साल बाद उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती है मेरे एक्सपीरियंस में। अब अगर आपका बजट 30,000 या फिर 25,000 से कम है तो आप लैपटॉप्स ना खरीदें, क्योंकि उसमें आपको एटलीस्ट i3 का प्रोसेसर नहीं मिल पाएगा, और अगर आप i3 का प्रोसेसर नहीं ले रहे हैं कम से कम तो वो आपके किसी काम का नहीं होगा 1 साल बाद। लैपटॉप्स के लिस्ट बताने के पहले, अगर ये वीडियो, ये गाइड अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब अगर आप 30,000 के अंदर में कोई लैपटॉप देख रहे हैं तो आप लेनोवो का S145 या फिर आइडियापैड 3 देख सकते हैं। इसमें आपको कॉन्फ़िगरेशन में मिलेगा i3 का प्रोसेसर मिल जाएगा लेटेस्ट जिन का, 4GB का रैम और साथ में इनबिल्ट ग्राफिक कार्ड मिल जाएगा और 1TB का हार्ड डिस्क मिल जाएगा। अब अगर आपका बजट 30,000 से 50,000 के बीच में है तो आप लेनोवो का स्लिम 3i देख सकते हैं, MI नोटबुक 14 देख सकते हैं, ये आपको i3 और i5 के वेरिएंट में मिल जाएगा, 4GB या फिर 8GB का रैम मिल जाएगा, या फिर AMD का अगर Ryzen 5 मिल जाता है तो वो आप ले, वो आपको थोड़ा सा 2-3 हज़ार रुपये कम पड़ेगा। आपको इसमें SSD भी मिल जाएगा। अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए तो आप MI नोटबुक 14 होराइजन एडिशन भी देख सकते हैं, वो भी एक अच्छा लैपटॉप है। ये अगर आप स्टूडेंट हैं, ऑफिस वर्क के लिए चाहिए तो इतने में आपका काम हो जाएगा। अब आते हैं 50,000 के रेंज में। अगर आप गेमिंग चाहते हैं, परफॉर्मेंस चाहते हैं अपने लैपटॉप्स से, तो आप इन लैपटॉप्स को देख सकते हैं, लेनोवो लीजन 5i, एसर नाइट्रो 5 और डेल का G3। इसमें आपको i5 10th जेन, 8GB का रैम और 512GB का SSD प्लस 1TB का हार्ड डिस्क आपको मिल जाएगा, और साथ में 1650 जो कि इंट्री लेवल GPU है वो भी आपको मिल जाएगा। अब आते हैं 80,000 और प्लस में। अगर आप स्लिम और बैटरी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं तो आप एप्पल का मैकबुक एयर देख सकते हैं। इसमें आपको i5 लेटेस्ट जेन मिल जाएगा,
8 GB का रैम मिल जाएगा, 256 GB का SSD और आइरिस GPU मिल जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से यहाँ पे एक लैपटॉप है, माइक्रोसॉफ्ट लैपटॉप 3, इसमें आपको i5 10th Gen 8 GB, 256 GB का SSD और आइरिस GPU मिल जाएगा। अब अगर आपका बजट 80+ thousand है और उसमें आप परफॉर्मेंस और गेमिंग चाहते हैं तो उसमें आप Acer Predator Helios 300 देख सकते हैं, Triton 300 देख सकते हैं, HP Omen देख सकते हैं। इसमें आपको i7 10th Gen 16 GB का रैम, 512 GB का SSD और 1 TB का हार्ड डिस्क और 1660 Ti का हाई लेवल ग्राफिक कार्ड मिल जाएगा, या फिर 2080 के साथ भी मिल जाएगा। इसका प्राइस आपको 75,000 मिल जाएगा, 75,000 का होगा अगर आपका i5 चूज़ करते हैं। तो i7 चूज़ करते हैं तो 1,00,000 से 1,20,000 आपको पे करने पड़ सकते हैं। अब आते हैं प्रीमियम कैटेगरी में, वो 1,00,000 से ऊपर के लैपटॉप्स में। तो सबसे पहला है यहाँ पे, अगर आप कलर एक्यूरेट वर्क करते हैं तो आप एप्पल का मैकबुक प्रो चूज़ कर सकते हैं। ये आपको i5 i7 लेटेस्ट जेन में मिल जाएगा, 8 GB का रैम या फिर 16 GB का रैम भी आप ले सकते हैं, 1 TB का SSD मिल सकता है, आयरिस GPU के साथ आता है। दूसरा लैपटॉप है डेल का एलियनवेयर, ये आपको गेमिंग और हाई एंड परफॉर्मेंस देता है। इसमें आपको i7 i9 लेटेस्ट जेन मिल जाएगा, 16 GB या फिर 32 GB का रैम मिल जाएगा, 2080 या फिर 3080 जो कि लेटेस्ट GPU है हाई एंड का, वो आपको मिल जाएगा RTX सीरीज में। इसका प्राइस करीब आपको 2,00,000 से ऊपर और 3.5 लाख के अंदर में आपको मिलेगा। तो ये थे मेरे आज के बेस्ट लैपटॉप्स के लिस्ट और किस तरीके से आप अपने लिए बेस्ट लैपटॉप चूज़ कर सकते हैं। ये गाइड अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।